क्रांति हुई, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम हुए हमारे यहाँ कर सकता हूँ उनके, ये सब विद्रोह जो हुआ ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। तो ये सब चीजें हमारे किस में आई भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब या जैसे नगर चौकों और सड़कों के भी नाम है, जैसे कौन सा जो है, जैसे आपका वाराणसी है, चांदनी चौक है, अशोक मार्ग है, ये सब ही किस में आएंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी कौन सी है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये नहीं क्लास जाति नहीं कि ये वाली जात के नहीं है, ये नहीं, इस पूरी उसके बिरादरी जैसे जाति वाचक संज्ञा किसे कहते हैं बताओ भाई, प्राणी या व्यक्ति के पूरी जाति का, अब जैसे कोई बताएगा क्या होता है जाति वाचक, जैसे कोई चीज बताओ मुझे, अब जैसे जैसे आ जाओ आप शिवानी, शिवानी आओ, अब इनका नाम है शिवानी, और आओ सावन जल्दी भी, ये है सावन, ये हो गए शिवानी। तो अब बताइए ये सावन और शिवानी क्या जाति वाचक संज्ञा में आते हैं, जी सर, जी सर, हाँ जी सर, लड़का जाति वाचक में आएगा, बताइए व्यक्ति वाचक में, जैसे ये करो अभी आपको बताया गया कि नाम किसी का हो तो किस में आएगा, आपके जितने लोगों परिवार में लोग रहते हैं सबका नाम अभी आपको ना है, देश नदियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, समुद्रों के नाम है, ये सभी समाचार पत्रों के नाम, ये सब क्या है व्यक्ति का, अब ये तो उनका नाम है, तो नाम व्यक्ति का तो होगा, लेकिन हमें क्या पता करना है जाति, ये किस जाति से है, ये लोग मनुष्य जाति से है, कौन सी जाति है, ये मनुष्य है, प्राणी है, है? तो अगर मनुष्य की बात हो गई, कहा गया मनुष्य, तो उसमें न लड़की आएगी, न लड़का आएगा, न आदमी आएगी, न वो तो पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा दिया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चले देते हैं, जैसे आपका घर है, अब देखो घर भी बहुत तरह के होते हैं, इसमें घर की संपूर्ण के सभी तरह के घर आ गए, ध्यान से समझिए जातिवाचक में, क्या समझा अभी आप लोगों ने जातिवाचक में, जातिवाचक क्या चीज होती है, हाँ क्या होता है, पूरी जाति का, अब किसी का मुझे कहे हमने भैंस, तो भैंस कौन सी नाम है बताइए, व्यक्ति वाचक में आ गई, लेकिन अगर हमने कहा जानवर, जानवर की एक पूरी जाति होगी कि नहीं जाती, हमने कहा तोता, तोता कौन सी, लेकिन मैंने कहा उसका नाम, जिसे तोते का भी नाम रखते हैं लोग, मिट्टू पिट्टू, यह सब है व्यक्ति वाचक में आ गया, लेकिन अगर हमने कहा कि पंछी पक्षी, बच्ची की एक पूरी दुनिया की जितनी तरह की बच्चियां होंगी सब उसी में, जानवर पक्षी मनुष्य खरे है, इसमें जो है सभी जो है, नदी हमने कहा, अब नदियों में दुनिया की सभी नदियां आ गई, गंगा हो यमुना हो नील नदी हो, सिंधु हो सतलज हो व्यास हो रावी हो कोई हो, समझ गए बच्चों जाति वाचक, जिससे हमें उसकी पूरी जाति का पता चले, नाम ना हो जाति का, ठीक है। अब आते हैं हम कौन से समूह वाचक, समूह वाचक संज्ञा में क्या होता है, जिससे हमें समूह
जिसे झुंड है, झुंड। अब झुंड में बहुत सारे जानवर रहेंगे, सेना है। अब सेना में एक जवान थोड़ा रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। जिस शब्द का प्रयोग